चलो लिखो बाबू, वो करना बोलेगा करना, 5657। देखो 5657 में क्या जोड़ा जाए, 5657 में क्या जोड़ा जाए कि 12 से पूरा पूरी विभक्त हो जाए, 12 से पूरा पूरी विभक्त हो जाए। पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसी का लिखो, 5657 में क्या घटाया जाए, 5657 में क्या घटाया जाए कि 12 से पूरा पूरी विभक्त हो जाए। फिर अगला सवाल लिखो इसी में, 5657 के निकटतम संख्या ज्ञात करें, 5657 के निकटतम संख्या ज्ञात करें, 5657 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 12 से विभक्त हो जाए। एक सवाल और लिख दो इसमें, 12 से भाग दो 12 दुनी 12 3 48 कितना दे रहे, 8 5 85 बरसते 12 एकम कितना बजे, 5 सर, घटाने वाला में 5 हो जाएगा, घटाने वाला में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर। और जोड़ने बोलेगा तो दोनों घटाएंगे, कितना है रे, जोड़ने वाला में 7 हो जाएगा। अब निकटतम बोला तो दोनों में कम कौन है, ये 5 ने 5 घटा दे, कितना हो जाएगा, 56 52 वही हो जाएगा निकटतम। कोई दिक्कत, मतलब एक क्वेश्चन से तीन टाइप बन रहा है ना, यही चीज को समझना है, क्लियर। अब कल दो पॉइंट हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे सब 80F रहेगा, सेसफल दिया रहेगा तो क्या होगा। चलो क्वेश्चन लिखो, आगे लिखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 73, 25 और 37 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 75, 25 और 37 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। क्या होगा, 12 होगा ना, यहां ध्यान से देखो बाबू, सब में 1 घटाएंगे कितना बच गया, 72। कभी भी रहेगा ना, बड़ी से बड़ी बोला 80F निकालने, तो बड़ी से बड़ी में क्या कहते हैं, माइनस करने, बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 80F निकालने, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ वो माइनस कर गया। क्लियर हो गया, अब याद है, और ध्यान से रे बाबू, 12 दुनी 12 3 तो 12 3 कर रहा है ना, तो 80F कहाँ निकल गया, 12। कोई दिक्कत, डायरेक्ट घटा देना है। चलो एक सवाल और लिख लो, लिखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे
बता रहे हैं, जिसे सड़सठ सड़सठ जिसे सड़सठ और उनसठ से भाग देने पर, नहीं सड़सठ और अंठावन से भाग देने पर, सड़सठ और अंठावन से भाग देने पर, हाँ लिख रहे हैं यहाँ देख, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे सड़सठ और अंठावन से भाग देने पर शेषफल तीन और दो बचे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे सड़सठ और अंठावन से भाग देने पर शेषफल तीन और दो ज्ञात हो। कुछ नहीं करना, आपस में घटा देना, संतावन में तीन जाएगा तो चौसठ, अंठावन दो गया बाबू सब, तो दोनों का सेप कहा जाएगा, आंसर हो गया। है कोई हार्ड है? यही ना हम बताए थे कल, ठीक है। अब हम एलसीएम वाला बताते हैं, अस्सी वाला तो यही बताए थे, अब एलसीएम वाला बताते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े रे, यहां देखो लिखो क्वेश्चन। छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी जल्दी जल्दी, इतना लेट नहीं। पहले लाइव क्लास होता था तो उसमें लेट होता था, अब रिकॉर्डिंग क्लास चलता है इसमें लेट नहीं होगा। अरे और जल्दी जल्दी, अब और जल्दी जल्दी समय वहाँ ही होते जाएगा। अब जो हम लेट करते थे ना, सवा दस से क्लास चालू कर देंगे, सवा दस फिर धीरे धीरे दसों बजे चालू कर देंगे, क्योंकि हमको अब कुछ नहीं करना, खाली लैपटॉप खोलना है, वहाँ ओके कर देना है, क्लास स्टार्ट। अब पहले जोड़ना पड़ता था, तनी जल्दी आया करो। अरे ये क्लास फास्ट होगा, क्लास फास्ट होने के कारण है कि उसमें ऑनलाइन भी रहता था, उन लोगों को भी बात बात बताना पड़ता था, कभी हम लोग को डायरेक्ट आप लोग को समझाना है तो समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग के पास चार महीना है, चार महीना में आप लोग को पढ़ना है। देखो बाबू, ठीक है, बोले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे दस चौबीस सोलह से भाग देने पर शेषफल पांच प्राप्त होता है। जल्दी बनाओ, जल्दी फास्ट के देता है आंसर। दस चौबीस सोलह से भाग देने पर शेषफल पांच प्राप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बाबू किससे कट रहा है सब रे, दो से, दो पच्चे, दो बारह, दो अट्ठी, बाबू चार से जा रहा है, पाँच चार तिया चार दूनी, आप तो कटेगा नहीं, पाँच दूनी रे दस तिया तीस चौक एक सौ बीस दूनी दो सौ चालीस हुआ ने। और जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे, कितना करे, किसी को कोई दिक्कत, कोकरो दिक्कत, सिंगल शेषफल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ने। लिखो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, अगला सवाल, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे दस, ठीक है, दस ग्यारह बारह और तेरह से भाग देने पर शेषफल पाँच छ सात और आठ प्राप्त हो। जल्दी बना, जल्दी जल्दी फास्ट, सबसे पहले एलसीएम, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके जोड़ देना, कहानी खत्म। आगे एलसीएम ले बाबू, तो एलसीएम जाएगा खाली दो से जाएगा, दो पच्चे दो छक्के गुना कर दे तो पांच छक तीस, हाथ में जीरो, तेरह तिया उनचालीस, तीन नौ रे,
42 नंबर आया एलसीएम। बोले सर गुना सेकेंड रूम कैसे कर दिए? देखो गुना करने का भी तरीका, 5 31 हुआ ने और एक जीरो उतार दिए, मान लिया 3 और 13 39, तो 9 और यहाँ 3 लिखे थे, तो 11 नियम होता है बीच में जोड़ के लिख दे, तो 9 3 12 हाथ में 1 और 3 1 4, कोई दिक्कत? अच्छा गलती दे दिए, और बढ़ जाएगा हल्का सा, रुक जा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गुना गुना कर लेते, देखो 5 2 बाबू 10 6 13 6 78, ये ना हुआ बाबू 780 इंटू 11 गुना करना है, तो ये 0 हो गया, 8 यहाँ लिख दी, 7 8 बाबू 15 5 में 1 7 1 8 85 80 आ गया पूरा एलसीएम, क्लियर? क्या बोले थे? अरे छोटी संख्या क्या बोले थे ने? कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें कि 10 11 12 13 से भाग देने पे शेषफल 5 7 8 है, क्लियर? अब ऐसा नियम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, बाई या सी एफ में वैसा करते हैं, एलसीएम लिए तो कितना है 85 80, आप यहाँ घटाओ कितना रे 5 के अंतर, कितना बाबू तो भाई 5 यहाँ घटा दें, 85 75 आंसर हो गया। चलो 11 दे देते, तुम लोगों को डॉट है तो लिखो, छोटी चीज छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी चीज छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, अभी कौन कहीं डेटा आया अभी इंट्री मारा टाइम पे, पहले ऑनलाइन क्लास होता था अब ऑफलाइन होने लगा इस टाइम पे, अब क्लास जल्दी स्टार्ट होगा और जल्दी खत्म होगा। लिखा बाबू, छोटी चीज छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12 15 दे रहे बाबू, 12 15 18 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः से बता रहे हैं 16 9 शेषफल बता रहे हैं लिखो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12 15 18 24 से भाग देने पे शेषफल बचे 8 11 14 20, 8 11 14 20 कितना होगा? सबसे पहले इसका एलसीएम ले, ठीक है, क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, केवल मिले बाबू 3 2 6 6 2 12 5 60 आने 6 6 18 18 2 360। अब अंतर दे रहे बाबू, अंतर कितना है बाबू? 4 का अंतर बाबू, 4 4 4 नहीं तो 360 और 4 कितना बोला? 356 घटेगा 4 माइनस कर दिखता रहे 300। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब सोचो ये है घड़ी, ठीक है, ये है घड़ी, यह है घड़ी, ठीक है,
या मान लो फील्ड। अब मेरा रफ्तार है 5, मेरा रफ्तार है 5, अकर रफ्तार है 10, ओकर रफ्तार है 15, मतलब तीनों एक बिंदु पे कहाँ टकराएगा, कहाँ टकराएगा, सीएम लेंगे ना। कभी भी एक राउंड घूमने के बाद बोले या घड़ी के बोले ये घंटी बजने के बाद कहे, नहीं बोलता है कि एक बार साथ में बजा फिर कब बजेगा, कौन सा अंतराल में बजेगा। तो इसे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक के मान ले 2, एक के मान ले 5, एक के मान ले 10, तो 2 वाला ऐसे से जा रहा बाबू, क्लियर, कहाँ पहुंचा 10 पे, 5 वाला 2 बार में पहुंचा, 10 पे पहुंचा और 10 वाला डायरेक्ट पहुंचा, तो तीनों कहाँ टकरा रहा है, एलसीएम में नहीं टकरा रहा है। तो 2, 2, 5, 10 के एलसीएम का है 10 और तीनों एक ही जन टकरा रहा है। तो कभी भी तुम लोग को रहेगा घड़ी संबंधित कि सर एक बार बजी तो सब घड़ी एक बार कितना बजे बजेगा, तो ये सिस्टम हो गया। या फील्ड के राउंडिंग बोले तो ऐसा ही करना, कभी बड़ी से बड़ी डिब्बा का माप बोलेगा 80 अब निकालोगे, छोटी से छोटी डिब्बा का माप बोलेगा क्या निकालोगे, एलसीएम। यहाँ तक कोई दिक्कत, को बड़ी से बड़ी डिब्बा छोटी से छोटी डिब्बा रखते हैं, जैसे दूध मान लो, तो ओकर सब के एक में एक ड्राम में हटाना है, सब छोटी छोटी वाला बनाना है, तो सब ऐसा ड्राम लेना है कि सबके एलसीएम लेके एक में रख देंगे, क्लियर। अगर वह 80 लेते हैं ना, तो एक्सा डिब्बा हमको नाप निकालना है कि उसमें एक चुरुआ भी दूध नहीं बचे। कहते रहते हैं क्वेश्चन ऐसा कि ड्राम से कैसे पानी निकालेगी, एक चुरुआ भी पानी ना ले, कौन नाप के डिब्बा ले, तो परफेक्ट डब्बा लेंगे तभी ना पूरा निकल जाएगा बाबू, तो उसी बोलते हैं 80F, क्लियर। अभी देखो क्वेश्चन, एक सूत्र होता है 80F और एलसीएम का, बोलेगा एलसीएम निकाल ले, क्या बोलेगा, ऊपर वाला के एलसीएम निकाल देना और नीचे वाला बाबू 80F, बोलेगा 80F निकाल ले, ऊपर वाले के नीचे वाले के, बता रहे ये होता है दो संख्या के गुणनफल, दो संख्या के गुणनफल बराबर होता है 80F इंटू, जल्दी नोट कर, जल्दी फास्ट, किसी के पास आर एस अग्रवाल के होगा हल्का दो, आगे बढ़े। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे बोल देगा ना कि पहला संख्या है 36, ठीक है, पहला संख्या है और दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा, तो नहीं दिया हुआ रहेगा क्या मान लेंगे बाबू, बी मान लेंगे, क्लियर। अगर बोल दे 80F दे दे 9, 80F दे दे 9, एलसीएम दे दे, बता रहे हैं बाबू 72, क्लियर, 80F दे दे 9 और एलसीएम दे दे 18, गलत दे दे रहे हैं। अब लाने आधे सरकार के पास है डाउनलोड, तो लाओ ने शुरू में मांगे, सवाल दिया जाता है कैलकुलेशन करके और उतना मुश्किल है डायरेक्ट हम सोच के उतना देते, तो सवाल कैसा रहेगा, ये तो पूरा लाइट करके अंधार करके रख रहे हैं। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, जैसे दो संख्याओं के महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक 8 और 48 है, कितना दे दिया बाबू 8 और 48 दे दिया, तो ये हो गया 80F और ये क्या हो गया
एलसीएम। अब बोलता पहली संख्या 24 है यानी एक संख्या दिया हुआ है 24, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए इंटू बी बराबर अस्सी एफ इंटू एलसीएम। एक संख्या कितना दिया हुआ है, बी छोड़ दिए, अस्सी एफ कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, काट दे, आठ तिया सोलह तिया बी बाबा बाबू। तो ऐसा क्वेश्चन देखा बना लोगे खुदी कर। चलो एक यार क्वेश्चन लिखना, लिखो दो संख्या का महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक 1272 है, कितना है 1272 है, कहा बाबू कितना टाइम रहे हो, अतुल पार्टनर 1272 है कितना बाबू, दो संख्या का लघुत्तम संवर्तक महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक 1272 है, 1272 है, क्लियर। तो एक संख्या 60 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, एक मिनट रुक रहे रुक रहे। देखो एक संख्या 36 हो, एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, 24 हो जाएगा। कुछ नहीं करना आज, हम सिंपल है, कितना करना बोले थे बाबू, 1272 लिख, एक संख्या कितना बोले 24, तो दूसरी बी मान दी, काट दी 12 दूनी दूसरा काट दे रे, 36 नहीं आंसर ले रे को दिक्कत, इसे 36 बोले थे तो 36 बोलेंगे तब हो जाएगा उल्टा, बोलना चाहिए ना कि कहाँ गलती की हम। छत्तीस दुनी 12 तो नहीं बाबू, किसी को प्रॉब्लम नहीं, अब आगे दे। जल्दी निकालो एलसीएम, एलसीएम निकालो, एलसीएम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे अनुपात में, सबसे पहले अनुपात तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे तोड़ेंगे, तो डबल जीरो आ गया, जुड़ो बाबू सिंगल जीरो हो गया, क्लियर, ठीक है। ओकर बाद काटो दो चौके आठ, दो दो अट्ठी सोलह, दो पचे दस, दो से काटो रे चार से काटेगा ना, चार पच्चीस है सौ, चार टिया बारह, चार छः चौबीस, दो पच्चे दो बत्तीस, हो गया ना बाबू। अब ऊपर लगे लगे एलसीएम, तो अड़तालीस छत्तीस और बत्तीस का एलसीएम कितना आएगा, अड़तालीस छत्तीस और बत्तीस के चार से दे दे, बारह नौ आठ,
फिर 4 सदे, 4 3 9, 4 2 9, फिर 3 सदे, 1 3 2। अब गुना करें, 4 सौ बाबू 16, 16 3 बाबू 48, 48 6 बाबू 48, हाथ में 4 6 24, 288 आया एलसीएम करना बाबू, 288 ऊपर हो गया, नीचे 80। अब 80 मेरे को सबसे छोटा कौन है रे, 5 ने, ठीक है 5 ही हो जाएगा, नहीं इतना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ने? चलो हल्का से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 एलसीएम निकाल, जल्दी बताओ एलसीएम निकाल, जल्दी बताओ एलसीएम एलसीएम एलसीएम, एलसीएम ऊपर गुना होगा बाबू, 5 15 75 से आपस में तो कट रहे, 2 से कट रहा है ना, यहाँ 2 हो जाएगा। अरे सीएफ के सूत्र कहाँ बता, एलसीएम के कहाँ बता देते, एलसीएम बटा अस्सी, अब एलसीएम 105, 80 अब 2, कोई दिक्कत आगे बढ़े। अभी तुम लोग बैठ के बना, तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते जाओ, तो बता रहे हैं लिखते जाओ आरएस अग्रवाल के, हाँ अपने बैठ के भी बनाएगा, अभी हम टिक मरा रहे हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 अभी बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, लिखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। सर स्टॉप कीजिए सर।